स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निकायों में शौचालय निर्मित नहीं करने पर परिवारों की विद्युत तथा पेयजल कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 15 दिन का समय भी दिया गया है। उपायुक्त हमीरपुर संदीप कदम ने हमीर भवन में नगर निकायों के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में शौचालय निर्मित करने के लिए गरीब तथा निर्धन परिवारों को आर्थिक मदद भी प्रदान की गई है। जिन परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान की गई है उनको शौचालय का निर्माण आरंभ करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। उपायुक्त संदीप कदम ने कहा कि सभी कार्यकारी अधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण करने के लिए कहा गया है तथा शौचालयों की साफ सफाई की रिपोर्ट भी प्रेषित करने के लिए कहा गया है ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। उपायुक्त संदीप कदम ने हमीरपुर नगर परिषद भोटा तथा सुजानपुर नदौन के नगर निकायों में सीवरेज कार्य की भी समीक्षा करते हुए सीवरेज की पाइपलाइन बिछाने के लिए नगर निकाय के प्रतिनिधि लोगों के साथ आवश्यक बैठक कर सहमति बनाने का प्रयास करें ताकि सभी नगर निकायों में सीवरेज के कार्य को पूरा किया जा सके। इस अवसर पर शहर में पेयजल सुविधा को लेकर भी चर्चा की गई। उपायुक्त संदीप कदम ने कहा कि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं तथा आईपीएच विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि तय मापदंडों के आधार पर पेयजल की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए भी उचित कदम उठाए जाएं। इससे पहले एडीएम रतन गौतम ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए जिला हमीरपुर के नगर निकाय में स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रहे कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करवाई। इस अवसर पर आईपीएच विद्युत विभाग के अधिकारियों सहित नगर निकाय के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ जो शहरी क्षेत्र है उसको भी ओडीएफ बनाने के लिए प्रयत्न जारी है। हमारे यहाँ पे भी जो है हमीरपुर जिला में जो अलग अलग शहरी क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास शौचालय नहीं है उनको शौचालय बनाने के लिए सरकार के माध्यम से राशि मुहैया की जा रही है। राशि का पहला किश्त देने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे सामने आए हैं कि जो शौचालय बनाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ऐसे जो लोग हैं उनके प्रति एक अनुशासनात्मक रुख अपनाया जाएगा। इसमें जो हमारे न्यायालय के जो आदेश है उन आदेशों के अनुसार जो भी लोग शौचालय नहीं बना रहे या खुले में शौच करने जा रहे हैं उनका बिजली पानी काटने के आदेश न्यायालय ने किए हैं उसके उन आदेशों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे जो भी लोग हैं उनको अवेयर भी किया जाएगा कि वो शौचालयों का इस्तेमाल करें और अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जाएगा और इसी के साथ साथ इसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है और उसमें अगर कोई गैप है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप भी फिल किया जाएगा।